अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। और बहुत दिनों के बाद आई एम बैक ऑन द वीडियो, बैक ऑन डूइंग वीडियो। एक्चुअली दीज डेज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ आजकल, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, सम एग्जाम्स एंड स्टफ, एज वेल एज हमारे एक फ्रेंड की बहुत मतलब कुछ दिनों में शादी होने वाली है। सो वी वर बिजी इन दैट ऑल्सो, कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी है। तो टुडेज़ वीडियो इज़ गोना बी लाइक, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दैट बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि मतलब यूट्यूब से कितना कमाते हो, वो सब ये सब उसके बारे में बात करेंगे। और अभी हम कहीं जा रहे हैं, उसके बाद आके हम बात करेंगे। आई सी यू इन द नेक्स्ट शॉट। What I was missing in New Delhi was this. I hope you can see. ये मैं बहुत मिस कर रहा था, आप देख सकते हैं these clouds. बाकी सब बहुत मज़ा था। Clouds तो वैसे वहाँ पे भी होते थे, मगर जब सनी वेदर होता था तब होते थे, कभी कभी मतलब ज़्यादातर नहीं होते थे, क्योंकि मैं टाइम लैप्स लेने के लिए बहुत तरसता था वहाँ पे। और यहाँ पे टाइम लैप्स लेने के लिए बहुत जगह हैं जहाँ पर आप टाइम लैप्स वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे अभी अभी बारिश भी होगी, सुबह सब कुछ क्लियर होगा। सबसे बढ़िया चीज़ है कि एयर बहुत क्लियर होगी तो मज़ा आता है। आई मिस दीज थिंग्स, लाइक आई यूज़ टू मिस दीज थिंग्स, मैं बहुत मिस करता था इन चीज़ों को। तो अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि यूट्यूब पर कैसे अर्निंग करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैंने अपलोड किए, अपलोडिंग्स बढ़ती गई, मतलब मैंने अपलोड किए कुछ कुछ वीडियोस। तो उसके बाद मैंने एडसेंस पे वो लिंक भी किया, और अप टू 2018 मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अकाउंट में, एडसेंस अकाउंट में पैसे भी, अर्निंग्स भी दिखाई, मतलब स्टार्ट हो गई थी और मुझे पता भी नहीं था। अचानक से मैंने एक बार एडसेंस खोला तो मैं बहुत खुश हो गया। तो चलते हैं एनालिटिक्स के बारे में कि यूट्यूब कैसे अर्निंग मतलब आपको देता है। तो यूट्यूब की वजह से अर्निंग ऐसे स्टार्ट होती है, देर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ 1000 व्यूज़ पे $1 मिलेगा। ये पहले पहले वीडियोस में आता था, मे बी पहले हुआ करता होगा, बट नाउअडेज द एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एड्स। आपकी वीडियोस पे एड्स आएंगे तो आपको अर्निंग मिलेगी, आपकी वीडियो पे एड्स नहीं आ रहे हैं तो आपको कोई अर्निंग नहीं मिलेगी और आपकी मोनेटाइजेशन नहीं चल रही है। तो एटलीस्ट आपको होने चाहिए 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम, आपको जो थ्रेशहोल्ड है वो है। और अर्निंग का थ्रेशहोल्ड $100 है, आई एम जस्ट क्लोज टू द $100। एंड जब आपकी वीडियोस पे एड्स आएंगे, उसी वीडियोस पे जब क्लिक्स लगेंगे, मतलब लोग देखेंगे उन एड्स को, या उस पे क्लिक करेंगे, या उस पे शॉपिंग करेंगे, या कुछ भी करेंगे, तो उस पे क्या है कि आपको एड्स पे पैसे मिलते हैं। आपको खुद से कोई ऐड नहीं लगाना पड़ता, वो खुद ही गूगल एडसेंस खुद ही लगा देते हैं आपकी वीडियोस पे। द थिंग इज़ कि आपकी वीडियोस पे जब मोनेटाइजेशन स्टार्ट होती है, तो अगर 1000 व्यूज़ भी आएंगे और आपकी किसी भी वीडियो पे ऐड नहीं आया, देर इज़ नो मनी। और अगर आपके 100 बार क्लिक्स आ गए और 50 बार उसमें से एड्स भी आ गए, तो कुछ आपको अर्निंग मिल सकती है, वो आप एनालिटिक्स और बाकी जो टेक्निकल सिस्टम है, टेक्निकल चैनल्स हैं, उनसे कन्फर्म कर सकते हैं, CPM वगैरह। आई डोंट नो अबाउट दिस, क्योंकि मुझे जो देखना होता है वो सीधे अर्निंग डायरेक्टली ऑन द एडसेंस। राइट नाउ इट्स ऑन गूगल एनालिटिक्स, सॉरी यूट्यूब एनालिटिक्स में सीधे दिखाई देता है कि मतलब आपने कितनी अर्निंग की है वगैरह वगैरह वो सब। एंड यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द कॉपीराइट सिस्टम, यूट्यूब गाइडलाइंस और कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह, उन सबको देखना पड़ता है। तो ये था एक मतलब ये वीडियो, इस वीडियो में मैंने आपको बोला कि मतलब कुछ मोटी मोटी चीज़ें बोली कि यूट्यूब पे कैसे अर्न कर सकते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक कि मैंने कोई अर्निंग डायरेक्टली यूट्यूब से अभी तक कोई भी अर्निंग विड्रॉ नहीं की है, इट वाज ऑल कमर्शियल्स। मैंने कमर्शियल से पैसे कमाए हैं, मैंने अर्निंग्स जो की है वो कमर्शियल्स की वजह से किया है। आई हैव अ फ्रेंड, यूट्यूब हैव अ मतलब यूट्यूब का जो इम्पैक्ट है वो ये है कि यूट्यूब की वजह से मुझे क्लाइंट मिलते थे, कि यूट्यूब की वजह से वो यूट्यूब वीडियोज़ देखते थे, उसकी वजह से मुझे क्लाइंट मिलते थे। तो जो कमर्शियल्स में मैं बनाता था, लाइक होटल्स या होता था रिजॉर्ट्स होते थे, तो उनके सिनेमाटोग्राफिक वीडियोस बनाते थे। एंड यूट्यूब की वजह से मुझे इतना फ़ायदा हुआ, क्लाइंट्स मेरे वीडियोस जो देखते थे
पुरानी जो मैंने मतलब ब्लॉग्स बनाई थी होटल्स वगैरह में, तो वहाँ की वो सिनेमेटोग्राफी वगैरह देख के वो थोड़ा इम्प्रेस होके वो जो है कमर्शियल मैं ही बनाता था। तो मेरे एक फ्रेंड है जो वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, तो उनकी वजह से क्या है कि वो ज़्यादातर, क्योंकि हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट सीज़न रहता है, 12 महीने टूरिस्ट सीज़न रहता है, तो उनको ज़्यादातर होटल्स वगैरह की वजह, होटल्स, टूर एंड ट्रैवल्स और ऐसे ऐसे मतलब रिजॉर्ट्स वगैरह की वेबसाइट्स बनानी होती है, तो उनके लिए उनको वीडियोस भी चाहिए होती है, क्योंकि क्लाइंट जो है, उनके जो क्लाइंट है वो सीधे वीडियोस वगैरह देखते हैं कि कैसा होटल है वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे ही बोला कि जिन 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 क्लाइंट्स को उन्हें वीडियो दिख मतलब बनानी थी सो दैट दे कैन पुट ऑन द वेबसाइट, तो वो वीडियोज़ जो हैं वो कमर्शियल्स मैंने खुद बनाए, उनको मैंने बनाया, देन लेटर ऑन उन्होंने एम्बेड करके उसको अपनी वेबसाइट्स पे अपलोड किया। तो उस कमर्शियल्स की वजह से मैंने अर्निंग की है, मतलब ठीक ठाक मेरा पॉकेट खर्चा चलता था। नाउ डेज आई डोंट मेक कमर्शियल्स बिकॉज माई अर्निंग हैज़ स्टार्टेड, माई यूट्यूब मोनिटाइजेशन स्टार्टेड जस्ट कपल ऑफ वीक्स अगो, मतलब अभी तो थोड़ा बिजी हूँ, मे बी इन द कमिंग डेज़ आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू मेक वीडियोज़, एक महीने में 3-4 वीडियोज़ चलते रहेंगे। तो यही थी कुछ मोटी मोटी बातें अबाउट द यूट्यूब एनालिटिक्स और अर्निंग्स रेवेन्यू वगैरह, ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, सॉरी मैंने कोशिश की। तो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी होगी ये वीडियो, एंड आई ट्राई टू मेक इट लाइक मैंने कम से कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।